चार्मिंग गर्ल्स दो मूवीज आ रही हैं जिनका सेकंड पार्ट आ रहा है, आपको मालूम होगा, गदर 2, OMG 2. कौन सी मूवी को पहले देखना चाहेंगी अगर देखना हो? आई थिंक गदर, OMG 2. OMG 2 और गदर 2, इन दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट करना तो कौन सी पहले देखनी? मेरे लिए दोनों खराब है. मैं अभी ऐसा कुछ, मैं दोनों को देखना चाहूंगी. मेरे लिए गदर, एक मुझे गदर देखनी है क्योंकि वो आइकॉनिक मूवी है इसीलिए, और वो अक्षय कुमार की ओ माय गॉड मुझे अच्छी लगी थी तो मैं वो देखूंगी. थैंक यू सो मच यार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट्स अ टफ कंपटीशन. मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्षय कुमार की मूवी रिलीज हो रही है सनी देओल के सामने. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि दो मूवीज का इतना सुपर डुप्लेक्स क्लैश होने वाला है. ओके, OMG 2 आ रही है और साथ में गदर 2 आ रही है, किसके लिए मन बना हो? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ गदर 2 के भी ज्यादा है. OMG 2 का जो आया है अभी टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ, उसके लिए क्या कहें? आई रियली लाइक्ड इट, लाइक द कॉन्सेप्ट. मुझे OMG 1 भी काफी अच्छी लगी थी. अपनी संस्कृति के साथ अपने आचरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसी मूवीज को देखनी चाहिए. हाँ जी. और अक्षय कुमार की लुक के लिए क्या कहेंगे? भगवान शिव को इस बार काफी डिफरेंट है, सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट. हाँ जी. ओके, अब गदर 2 पे आते हैं, क्या कहेंगे सनी के लिए, सनी देओल के लिए? आई एम रियली एक्साइटेड. आफ्टर 12 इयर्स इट्स कमिंग बैक एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज़ लास्ट टाइम इट वाज रियली रोमांटिक मूवी एंड आई वॉच्ड इट लाइक सो मेनी टाइम्स ग्रोइंग अप. तारा सिंह और सकीना मैम की जोड़ी के लिए वन वर्ड कहना तो क्या रहेगा? आई डोंट नो, गदर गदर ही है यार. अच्छा, म्यूजिक की बात करें गदर की, क्या कहेंगे? गदर का मैंने ट्रेलर नहीं देखा अभी तक. हाँ जी. वन देखी थी आपने? सारी देखी. हाँ, वन म्यूजिक तो देखी बताओ है. यार कौन सा वाला गाना जो आपका पहले वाली का फेवरेट है? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंडवा. ओह माय गॉड, उसको फिर से मतलब अभी रिक्रिएट हो रहा है जो सॉन्ग, फिर से आ रहा है मैं निकला गड्डी लेके. हाँ. उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छा गाना है. हाँ. डायलॉग्स के लिए सनी देओल की किस चीज की आप ज्यादा बड़ी फैन है? क्योंकि उनकी हर चीज, एक्शन ले लो, डायलॉग्स ले लो, उनका डांस मैं कहती हूँ माशाल्लाह. हेड पंप कांड. ओके, आर यू एक्साइटेड फॉर गदर 2? यस आई एम. यस. एंड OMG 2? यस. थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू. और मैं ये कहना चाहूंगा, नो डाउट द फर्स्ट मूवी ओ माय गॉड रिप्लेस हुआ है प्रेश रावल जी का, जो हमारे न्यू एक्टर आए हैं. जी पंकज जी, तो पंकज जी इज अ गुड नेचुरल एक्टर, बट आई थिंक प्रेश रावल जी को क्यों, आई डोंट नो द रीजन, बट आई एम मच एक्साइटेड अबाउट द सेकंड थ्योरी ऑफ माय गॉड. व्हाट विल बी द अर्लियर मूवी में हमने देखा कि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड के ऊपर केस किया जाता है. इसमें हम देखना चाहेंगे कि क्या न्यू थीम लेके आए हैं माय गॉड की. जो लुक बनाया, इट्स अ गुड लुक, इट्स अ लुक ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा का लुक उन्होंने लिया है. अर्ली मूवी में उन्होंने कृष्णा का लिया था लुक, लॉर्ड कृष्णा का इसमें लिया है, तो एक्साइटेड अबाउट द कि वो उस कैरेक्टर को कैसे पकड़ते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे. जब भी मतलब कोई भी धर्म से जुड़ी कोई मूवी आती है, कोई ना कोई विवाद, कुछ ना कुछ रह जाता है. तो इस रहेंगी बिकॉज जब भी कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवीज आती हैं, तो नो नेचुरली देर आर सम सोशल जो है इविल्स हैं सोसाइटीज के अंदर या अदर भी चीजें हैं. हर कोई वैसे लोग गदर 2 को भी क्रिटिसाइज कर सकता है कोई भी कि ये नहीं है, इसके अंदर ये विवाद दिखा दिया आपने पाकिस्तान के साथ, ये दिखा दिया हिंदुस्तान. सो ये चीज तो चलती रहती है. सो आर यू एक्साइटेड फॉर OMG 2? बिल्कुल. और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही दिन में दोनों शो देखूं, बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं पहली कौन सी देखूं. जी जी. बिकॉज़ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो थैंक यू सो मच. अच्छा, गदर 2 आ रही है, सनी देओल भी आ रहे हैं फिर से, उनके लिए क्या कहेंगे? गदर 2 का भी ट्रेलर देखा था हमने, आई एम नॉट श्योर मैं देखूंगा क्योंकि मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा. जी. और साथ में उसी दिन आ रही है OMG 2, उसके लिए क्या कहेंगे? OMG 2 की कॉल बैक वैल्यू काफी है, वो मैं देख सकता हूँ फिर भी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मतलब जब भी इस तरह की मूवी आती है जो धर्म से या संस्कृति से रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ विवाद में आ जाते हैं, जैसे इस मूवी के साथ भी कह रहे हैं कि कुछ सीन कट होने वाले हैं या कट हो चुके हैं उसके बाद. जी जी, नॉट श्योर कंट्रोवर्सी जो भी है इसके रिगार्डिंग, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है. OMG 1 भी अच्छी लगी थी और मैं इसको भी काफी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं. सर आप क्या कहेंगे? सेम, इस तरह के मतलब जो हमारी संस्कृति को, हमारे हमें हमारे हमारी सभ्यता को जो मतलब दिखाती हैं चीजें जब वो आती हैं, तो ऑडियंस को किस तरह से यूज करती है? नहीं, मुझे नहीं लगता, वैसे तो देखने के बाद पता चलेगा. OMG 1 भी मैंने देखी है, उसमें तो मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं. अगर कोई चीज किसी को कहीं से भी कुछ भी उठाना है तो उठा सकते हैं. वैसे OMG 1 बिल्कुल ठीक मूवी थी, मतलब देख लेनी चाहिए. हाँ, देख लेनी चाहिए. सभी को देखनी चाहिए. जी जी.
थैंक यू सो मच। ओके ओएमजी 2 आ रही है और साथ में गदर 2 आ रही है, किसके लिए मन बना? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ गदर 2 के बजाय ज्यादा है। क्यों सर? वो है मैम, उसका अलग ही क्रेज था उस समय, वही चीज सनी का एक क्रेज। या इस बार फिर से सकीना मैडम और सनी तारा सिंह। हाँ तारा सिंह और उनका जो पुराना जो बच्चा था वो वापिस है, बड़ा होके आ रहा है, तो उसको देखने का क्रेज वो ही। तो गदर 2 के लिए एक्साइटेड? हाँ जी बिल्कुल। मैम आप कह रहे हैं तो विवाद भी आ जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब ऐसी चीजों को रोकना आ रहे हैं और वो काफी कुछ इसके अगेंस्ट बोलते थे, तो काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग होगा, तो देखते हैं क्या रहेगा। देखने का मन है। हाँ हाँ अक्षय कुमार की लुक के लिए भगवान शिव को पोर्ट्रे कर रहे हैं पोस्टर। या ओवरऑल काफी डिफरेंट उनका पिक्चर है पहले के जो उनके रोल्स हैं। मैं ओएमजी 1 से कंपेयर करके देख रही हूँ ना, बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, तो उस एंगल से देख रही हूँ। थैंक यू। I am very excited. Actually, हम यही discuss कर रहे थे कि हम पिछले 3 दिनों से मॉल में घूम रहे हैं, कभी बार भी देख रहे, कभी के अब next ये देखनी है, फिर गदर 2 भी देखनी है। See what I remember about OMG 1 is वो जो act of God वगैरह पूरा था, ठीक है। So I'm very much into spirituality and I believe that जो भी होता है, जैसा भी होता है, अच्छा बुरा, वो भगवान ही करता है। हमारे पास as humans we only have one choice, that is जब हम सुबह उठते हैं, so how do you want, you know, you have to get up and you go ahead with your day, baki koi choices nahi hote. But then there is so much superstition in today's world. Hum sare apne bhagwan ko apna bhagwan samajhte hain, we forget that bhagwan is one, and har koi hindu kehta hai ye mera bhagwan hai, musliman kehta hai mera allah hai, hum kehte hain vaheguru, but at the end of the day hum sab usi bhagwan ke bacche hain and god is one. And is aaj maine trailer jab dekha to usme ye bahut bola gaya tha ki bhagwan ke liye sab equal hai, बुरा सा बुरा इंसान और अच्छे से अच्छा इंसान, एंड दैट इज समथिंग जो आई थिंक मैं आजकल अपनी लाइफ में, जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, मैं जिससे भी गुजर रही हूँ, मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि भगवान के लिए सब इक्वल है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि इसमें क्या दिखाया है, कि कैसे बुराई एंड अच्छाई भगवान की देन है बेसिकली। डेफिनेटली वी शुड, बिकॉज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग बैड एंड एवरीथिंग दैट गुड हैपेंस गॉड इज डूइंग इट। Like I said, it is not in our control. हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं? It is God's plan. Let's go with the flow. भगवान सबके लिए एक जैसा ही सोचते हैं। अच्छा गदर 2 के लिए how's your excitement for गदर 2? Well, गदर 1 was that one mind blowing movie. उस time पे जब आई थी, I was too young and you know वो प्यार and that you know. नहीं अभी मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, ऐसे दिखने में मत जाइए, वो बच्चा है मेरा। बट या सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज़ आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब वो बहुत पुरानी हो गई है, बट टू सी सनी देओल बैक इन एक्शन। गदर 2 भी आ रही है, ओदली की मन है गदर 2 ओएमजी 2 दोनों एक को दिन आ रही है ने ओदली की गदर 2 थे ओएमजी 2 गदर 2 ठीक रहोगी, गदर 2 देखूंगा ओएमजी 2 क्यों गदर 2 क्यों सनी देओल है सनी देओल कौन देखी हां जी।